पुलिस की वर्दी में मौजूद ये शख्स बहुत बड़ा झांसेबाज है। इस शख्स ने एक लड़की को झांसा देकर उससे शादी की और आरोप है कि फिर उस लड़की से 8 लाख रुपए और एक एक्टिवा ले ली। इसका काम करने का तरीका देखते हुए जब लड़की को शक हुआ तो उसने इसकी जांच पड़ताल की और जैसे ही लड़की को पता चला कि इस शख्स ने उसे धोखा दिया है तो फिर इसने फौरन उसका कॉलर पकड़कर इसको थाने ले गई और मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एक लेडी ने FIR इसमें दर्ज कराई है विजयनगर थाने में कि एक लड़के के साथ उसकी सगाई हुई थी और सगाई होने में उसने अपने आप को वो SI बन के पेश करता था और इसके बाद जो है उसके घर में भी काफ़ी समय वो रहा और कभी जो है सुबह मतलब वो पूरा अपने आप को एक साल तक अपने को SI के रूप में ही प्रोजेक्ट किया उसने और उसके साथ में धोखाधड़ी करी है और उसके पास में कुछ जो फर्जी दस्तावेज हैं ID कार्ड हैं वो भी पुलिस को मिले हैं और इसको लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उसके मोबाइल में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस हर एंगल पे काम कर रही है और जहाँ जहाँ उसने और कितने लोगों को इस तरीके से ठगा है उसके बारे में पता किया जा रहा है। सर, लड़कियों के नाम पूरी जानकारी लोगों के नाम से सेव करें। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके मोबाइल में हैं और हर एंगल पे पुलिस काम करेगी और हर एक घटना की तस्दीक करेगी। इसमें हमने कहा आपको कि एक जो है लेडी है, उन्होंने अभी FIR कराई है, आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वेरीफाई की जानी है, वेरीफाई करने के बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिकली जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है तो ये पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये अपने आप को इंटरनेट के माध्यम से इसने अपने आप को ट्रेंड किया है और उसी से देख देख करके इसने कुछ फर्जी कार्ड तैयार कराए हैं और तैयार करा के ये अपने आप को बेल ड्रेसअप करके और यूनिफॉर्म में इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट करता था कि ये जो है कभी बड़ा हाई प्रोफाइल है और इसे जो है जुड़ा हुआ है और अपने आप को ये बताता था कि ये SP ऑफिस में काम करता है। इसमें हमने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी वेरीफाई की जानी है, ये वेरीफाई करने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि ये बत्ती कौन सी बत्ती लगा करके। पीड़िता की मां ने तो आरोपी ने उसे बताया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरकवर पुलिस अधिकारी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने तो फर्जी ID कार्ड भी बनवा लिया था। लड़की को शक उस वक्त हुआ जब उसने बताया कि वो सब इंस्पेक्टर बन गया है। लड़की की मां ने तो उसे शंका इसलिए हुई क्योंकि इतनी जल्दी किसी का सिपाही पद से सब इंस्पेक्टर पद का प्रमोशन नहीं होता। पुलिस की मां ने तो आरोपी का नाम राजवीर है और वो सिमरौल का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी द्वारा एक और लड़की से 40 लाख रुपए ठगने की बात सामने आई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि आरोपी द्वारा ठगी का शिकार कुछ और लोग भी हो सकते हैं। फिलहाल तो ये जनाब पुलिस वाले बनने चले थे, लेकिन अब असली पुलिस इनकी जेल में जमकर खातिर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।